आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कनेक्ट लाइव 2019 जो है इसके लिए कुछ चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है उसमें से कुछ चीज़ें जो है आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब इसमें इसका फॉर्म जो है कैसे फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये जो फर्स्ट वीडियो डाला था इसका कनेक्ट लाइव 2019 पे कि कैसे इसका फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने दे रखी है गूगल वालों ने कि क्या क्या आपको करना है। तो बेसिकली दोस्तों देखिए उसमें दो तीन चीज़ें थी, जैसे एक वीडियो बनाना, आपको एक पोस्ट लिखना कनेक्ट पे, और उसके बाद एक आपको था कि लिस्ट भी ऐड करना था। तो तीन चीज़ें बेसिकली थी, मेजर चीज़ें थी। ठीक है दोस्तों, और भी उसमें थोड़े बहुत डाउट बच गए थे हमारे फर्स्ट वीडियो में, तो आज सेकंड वीडियो में मैं कुछ चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात जो ये है कि लोकल गाइड्स में जब आप फॉर्म फिलअप करना है आपको, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाकी सारी चीज़ें छोड़िए, अभी आप पासपोर्ट वीज़ा, बहुत से कमेंट आ रहे हैं मेरे पास पासपोर्ट के वीज़ा के, ठीक है, बहुत सी चीज़ों के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो आप जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल, इसका नाम है कनेक्ट लाइव 2019। तो जैसे कि दोस्तों समझ पा रहे हैं आप कि कनेक्ट मेन यहाँ पर फोकस कनेक्ट का है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ कि आपको www.localguideskonnect.com इसके पूरे इंटरफेस के बारे में समझाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों बेसिकली क्या है कि मैं भी लोकल गूगल गाइड हूँ, आप भी हो, सबको ही है, मतलब जितने भी लोगों को मेल आ रखा है, लेकिन दिक्कत यह है कि सबने अपने अपनी तरफ से मेहनत कर रखा है, सबने फ़ोटो वगैरह डाल रखे हैं गूगल मैप पे, लेकिन बहुत से लोग उनमें से जो है वो लोकल गाइड्स कनेक्ट पे हैं ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पे फिल्टरिंग हो जाएगी आधा से ज़्यादा लोगों की। इसका क्या होता था कि जब भी मैं इसका इंटरफेस अपने मोबाइल पे खोलता था तो मुझे कुछ अजीब सा लगता था और मैं इसको समझ नहीं पाता था, मतलब मैं सोचता था यार चलो ये क्या है, मतलब मोबाइल पे जब आप इसको खोलोगे तो आपको कुछ अच्छा से नहीं लगेगा क्योंकि इंटरफेस इतना बड़ा है, इतनी चीज़ें इसमें कि मोबाइल पर ये छोटे स्क्रीन में नहीं हो पाता सब कुछ। तो इसलिए मैंने आज लैपटॉप में वीडियो बनाना शुरू किया है। इसमें क्या है कि मैं आपको पूरी इंटरफेस के बारे में बताऊँगा। देखिए दोस्तों ज़रूरी क्यों है, मैं इसके बारे में बातें क्यों कर रहा हूँ सारी चीज़ें छोड़ के, ज़रूरी ये है कि मेन फोकस ही आपका यही है। मैं आपको रियल टाइम एक एग्जांपल दे लेके दिखाऊंगा इसमें से, एक यूज़र का जो कि बहुत दिनों से इस पे था। ठीक है, उसने सारे कंट्रीब्यूट किया कम्युनिटी के लिए, धीरे 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 कंट्रीब्यूट किया और 2018 में उसे मौका मिला जाने के लिए, ठीक है, उनके मीटअप में। तो यही बात है दोस्तों, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर नहीं हो एक्टिव, यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं करते तो समझो कि मैं आप कुछ नहीं बोल सकता, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी सही। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको आके साइन अप करना है। ठीक है, ये तो जरूरी ही जरूरी है, समझ लो आप। देखिए आपको पोस्ट भी लिखना है, वो यहाँ पे लिखना है लोकल गाइड्स कनेक्ट पे ही आपको पोस्ट लिखना है। मैं आपको सबसे सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपको पोस्ट लिखना है, फर्स्ट पोस्ट कैसे लिखना है, सारे टैब्स के बारे में बताऊंगा क्या क्या मेजर चीज़ें हैं। देखिए एक बार मैं आपको बता दूंगा ना तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए, वरना फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आओगे ना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जानना है www.localguideskonnect.com पे, मैं इसका लिंक जो नीचे दे दूंगा आपको क्लिक करना रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जाना है। और अगर आपने पहले कभी भी कनेक्ट नहीं किया है, मतलब पहले कभी भी इस पे आप नहीं आए हो, साइन अप इस पर नहीं किया आपने, तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ आप लॉगिन कर लेना, यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे अपने आप, इसमें कुछ नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप गूगल लोकल गाइड हो पहले से तो आप वो साइन अप करना ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आप कर सकते हो ईजिली। इसके बाद की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों एक बार जब आप इसको साइन अप कर लोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का राइट हैंड साइड में आप देखो टॉप राइट में यहाँ पे आपका प्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोफाइल बन जाएगा। देखिए अभी भी मैंने क्या किया है, मैंने भी शुरू किया है जल्दी ही, मैं इसके इंटरफेस को सारी चीज़ों को समझ रहा था कि आखिर चीज़ें काम कैसे करती है इसमें, तो आपको भी समझना जरूरी है ये। अगर आप चाहते हो, सीरियसली ले रहे हो आप इस चीज़ को, लोकल गाइड वाली चीज़ को, तो ये ज़रूरी है आपको समझना और यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे तो ये कुछ इस तरीके का ऐसा हो जाएगा, आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा और आपका जो बैच है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए माय प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों, देखिए अभी मेरा लेवल 6 है, तो आपका भी कुछ ना कुछ लेवल होगा वो दिखा रहा होगा। देखिए मैंने 2 पोस्ट डाले हैं अभी तक, ठीक है, मैंने बिल्कुल नया हूँ इस पर, मैं जब से ये आ रखा है पूरा मेल हमें कैलिफोर्निया वाला, तब से मैं देख रहा हूँ कि क्या है चीज़ें आखिर में लोकल गाइड्स कनेक्ट वगैरह क्या है, क्योंकि मैं मैप पे ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता था, इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं करता था, तो फिर मैंने इस पे भी करना शुरू किया है अभी। उसके बाद देखिए दोस्तों जैसे जैसे आप चीज़ें करोगे, देखो ये फर्स्ट पोस्ट जैसे आप करोगे तो आपको ये बैच मिलेगा। ठीक है, ये बैच है, जब ये पहली बार मुझे मिला मुझे लगा ये क्या है। ठीक है, तो आपको भी लगेगा नया अगर आप पहली बार यूज़र हो इसमें। तो ये देखिए फर्स्ट पोस्ट,
दोस्तों अगर देखिए, अगर आपको, आपने पहले से इस पे यूज़र हो आप इसके, और आपको ज़्यादा कुछ पता है, मेरे से भी ज़्यादा पता है इसके बारे में, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको वीडियो के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं हमें। अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा मैं उसको, क्योंकि मुझे ही बनाना है, मैंने भी अब नहीं बनाया है। मैं किसी भी चीज़ में जल्दी नहीं करता, धीरे धीरे सीखते सीखते सारी चीज़ों को करता हूँ। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे आपको वीडियो बनाना है, उसके बहुत सी चीज़ें जो ध्यान रखने वाली है वो बताऊँगा, और कैसे आपको इस पर एक पोस्ट जो लिखना है वो पोस्ट कैसे लिखोगे आप, और आपको स्टेप्स कैसे लिखना है वो भी। वो तीनों चीज़ों को मिला के मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि पार्ट 3 होगा। ये पार्ट 2 है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इस पार्ट में आपको इंटरफेस के बारे में समझाने जा रहा हूँ, तो अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बैचेस मिलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेव वन कूडोज। अगर आप किसी को एक लाइक देते हो तो उसका एक बैच मिलता है आपको, अगर कोई आपको लाइक देता है तो वहाँ पे एक बैच मिलता है आपको। जैसे हमारे लोकल गाइड के थे कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हमें बैचेस मिला करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट काम जो आप करते जाओगे उसके हिसाब से आपको बैच मिलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मोर पे आप क्लिक करोगे, तो मोर पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है कि आई रोट माई फर्स्ट पोस्ट इन लोकल गाइड्स कनेक्ट, ठीक है। आई गेव माई फर्स्ट कूडोज ऑन ग्रेट कंटेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये है बैच, इसको बैच बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया बैच आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी पूरी ईमेल आईडी वगैरह शो होगी, टोटल पेज व्यूज़, आपने कितने पेज व्यू करे हैं गाइड्स कनेक्ट पे, टोटल मैसेजेज आपने कितने रेट किया, आपको पूरा यहाँ पे एक तरीके से हिस्ट्री बनते जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं बिल्कुल नया हूँ इस पर, 1-2 दिन ही हुए हैं मुझे इस पर, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका हूँ इस पर अभी तक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल मिनट्स ऑनलाइन 370, ठीक है। तो मैं काफ़ी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि चीज़ आखिर काम कैसे करती है, ये सारी चीज़ें। देखिए मुझे कुछ लोगों ने लाइक किया, उनका भी यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो अगर आपने भी इस पर कभी काम नहीं किया है लोकल गाइड्स कनेक्ट पे, तो आप जल्दी से जल्दी इस पर लॉगिन करो और काम करना शुरू करो। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको लेफ्ट साइड में ये सारे जो मेन्यू दिख रहे हैं ना वो है। देखिए यहाँ पे होम है, यहाँ पे फोटोग्राफी है, ट्रैवल है, फूड ड्रिंक, लोकल स्टोरीज, मीटअप्स, हाउ टू, अनाउंसमेंट एंड हेल्प डेस्क। ये सारी चीज़ें जो मेन्यूज़ हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अनाउंसमेंट क्या है, सबसे फर्स्ट वाली कैटेगरी हम अगर इसकी बात करें, अनाउंसमेंट में क्या होता है कि जो गूगलर्स हैं, कहने का मतलब जो गूगल के एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं कि अनाउंसमेंट डालते हैं यहाँ पे कि भाई ये बातें हैं, जैसे कि हमें जो पता चला कनेक्ट लाइव 2019 एप्लीकेशन आर ओपन, तो इन्होंने भी ये चीज़ डाला था, ये पोस्ट यहाँ पर डाला था 4 मार्च को, ठीक है। इसके नीचे अगर हम बात बात करें तो देखिए अनाउंसमेंट और भी अलग अलग तरीके का अनाउंसमेंट उन्होंने डाल रखे हैं, गूगल वालों ने डाल रखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अनाउंसमेंट में देखो आप, यहाँ पे अनाउंसमेंट को सिर्फ आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ डाल नहीं सकते। देखिए दो तरीके की चीज़ें होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने हाउ टू पे क्लिक किया है अभी, ठीक है। देखिए दो तरीके की चीज़ें होती है, एक तो फॉलो करना और एक होता है स्टार्टअप पोस्ट, कि एक पोस्ट करना, ठीक है। लेकिन अनाउंसमेंट के सेक्शन में आप पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको इतनी प्रिविलेज नहीं है, तो सिर्फ आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है। तो अनाउंसमेंट आप फॉलो करोगे, जो भी अनाउंसमेंट होगा गूगल देगा गूगल लोकल गाइड के बारे में, वो यहाँ चीज़ आपको शो हो जाएगी। फिर आप उसको क्लिक करके, जैसे कि देखो ये वाली जब अनाउंसमेंट आई थी तो मैंने इसको पढ़ा था, 4 मार्च की अनाउंसमेंट आई थी कि हम क्या करने वाले हैं कि लाइव 2019 करने वाले हैं और हम 200 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। देखिए कितने लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया अनाउंसमेंट वाला टैब। अनाउंसमेंट वाले टैब में गूगल के इम्प्लॉयज़ जो है वो यहाँ पे डालते हैं और अनाउंस करते हैं कि क्या होने वाला है और क्या क्या नई चीज़ें होने वाली है। ये समझ में आ गया आपको अनाउंसमेंट। अब हम चलते हैं हाउ टूज वाले सेक्शन पे। तो हाउ टू वाले सेक्शन में क्या है दोस्तों, कि आप कोई भी पोस्ट डाल सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। देखिए मैंने इसको फॉलो कर रखा है इसलिए अनफॉलो का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि देखिए दोस्तों, फीचर्ड वाले जो चीज़ होती है, फीचर्ड वाली चीज़ में हमेशा जो बड़े लोग हैं, कहने का मतलब जो गूगल वाले हैं, मॉडरेटर हैं, ये सारे हैं, उनको प्रिविलेज है यहाँ पे, और वो फीचर्ड उनका कंटेंट होता है या फिर जिसको भी वो हाईलाइट करना चाहते हैं वो चीज़ें फीचर्ड में होती है। तो जो आप पोस्ट लिखोगे बेसिकली वो देखिए वो यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर शो होगा। तो मान लीजिए कि हाउ टू में आपको अगर पोस्ट लिखना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर स्टार्टअप पोस्ट में क्लिक करना होगा, ठीक है।
मैं आपको बताता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप इस पर साइन अप कीजिए, अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जो है आप इस पर डालना शुरू कीजिए, कंट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। देखो अभी हमारे पास फिर भी 40-50 दिन बचे हुए हैं फॉर्म सबमिट करने के, तो कम से कम आप 10-20 दिन में हिस्ट्री अच्छा बना लो कि आप, मैं लोकल गाइड कनेक्ट में भी मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे गूगल बुलाए, तो ये सारी चीज़ें तो करना मतलब मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको टॉपिक चूज करना होता है कि आप कौन से टॉपिक के लिए लिखने जा रहे हो। सपोज दैट आप लिखने जा रहे हो कि हाउ टू, ठीक है। मान लो कि हाउ टू के बारे में आप कुछ भी लिखना चाहते हो कि भाई ये कैसे करते हैं। सपोज दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ट्रिप, कुछ भी आपने मान लो एक डिस्क्रिप्शन लिखा कि कैसे ट्रिप के लिए प्रिपेयर करना, अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो। यहाँ पे जो है वो रिच कंटेंट है, आप यहाँ पे फोटो भी लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट लिंक, इंसर्ट फोटोज़, तो ये जो एडिटर है यहाँ पे, इस पर आप फोटो भी लगा सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको लोकेशन देना होता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लोकेशन दिया चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ पर आप जैसे आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे जो है वो मैप सा बन के आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो जब आप पोस्ट कर दोगे तब हो जाएगा। यहाँ पे चंडीगढ़ लिया आपने, डिस्क्रिप्शन में लिखा मान लो हाउ टू गो, सपोज छोटा सा कोई भी डिस्क्रिप्शन मैंने ले लिया ऐसे ही आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पे भी आपने कोई टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप फोटो भी पेस्ट कर सकते हो, ये एडिटर ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एडिशनल टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाउ टू के अंदर मैंने लिखा है, तो यहाँ पे हाउ टू अपने आप आ गया है। टैग ऐड करना है, आप यहाँ से टैग ऐड कर सकते हो, और देखिए मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का अगर शो हो रहा है कि आपका टाइटल यहाँ शो हो रहा है और आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। आप इसको पब्लिश कर सकते हो। आप दोस्तों इसके पीछे आप एक फोटो बहुत ज़रूरी लगाना, देखो फोटो लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो फोटो आप लगाओगे तो क्या होगा कि वो फोटो आपके पीछे जैसे इनके आ रहा है ना, देखो यहाँ पे जैसे इनके एक फोटो पीछे शो हो रहा है, ये देखो शो हो रहा है, वैसे आपके भी शो होने लगेगा वो फोटो, ठीक है। तो फोटो लगा देना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपने देखिए, मान लीजिए इसने फोटो लगा रखा है किसी बंदे ने, अगर आप ये फोटो नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट गूगल का ये बाय डिफॉल्ट इमेज है, ये वाला जो देख रहे हो आप, ये बाय डिफॉल्ट आएगा। और आपका ये देखो, ये टाइटल है हेल्प नीडेड वाला, और ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और ये आपका नाम आएगा, बैच आएगा यहाँ पर सामने दिखा हुआ, ठीक है। तो ऐसा पोस्ट आएगा आपका भी, अगर आप कोई भी पोस्ट करोगे तो, ठीक है। तो लोग उस पर क्या कर सकते हैं, कूडोज जो है वो लाइक है बेसिकली, और कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम मीटअप्स में चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत लोगों का डाउट था कि मीटअप्स कैसे करते हैं, ठीक है। मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें देखिए आपको स्टार्टअप पोस्ट करना होता है, ठीक है। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो मीटअप्स के रिलेटेड आप जो भी चीज़ें, मान लो कोई पोस्ट डालना चाहते हो कि हम भाई मीटअप हुआ, हमने ऐसे किया वैसे किया, ये चीज़ें हमने करी, ये वो चीज़ें करी, हमने ये फ़ोटो खींचे, तो आप सारे फ़ोटोज़ वगैरह इस पर डाल दो, सारा सारा डिटेल्स वगैरह डाल दो और आप पोस्ट कर दो, ठीक है। और मीटअप्स यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, काफ़ी आसान है। तो देखिए अब सारी चीज़ें आपको आसान से लग रही होगी, और फर्स्ट बार में क्या है कि सब चीज़ जो है वो कन्फ्यूजिंग से लगता है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से लोकल स्टोरीज है, उसी तरीके से फूड एंड ड्रिंक है, उसी तरीके से ट्रैवल है, उसी तरीके से फोटोग्राफी है, ठीक है। सब में वही चीज़ है, फॉलो का एक रहेगा बटन, एक स्टार्टअप पोस्ट का रहेगा, और सपोज फोटोग्राफी के अंदर जो फीचर्ड है, कहीं मतलब जो गूगल आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहता है, वो चीज़ें यहाँ पे शो होगी फीचर्ड वाले सेक्शन में। और जो लोकल हमारे, हम जैसे लोग हैं जो कंटेंट होते हैं, वो यहाँ शो होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तुरंत तुरंत शो होते रहते हैं, क्योंकि लोग जो है बहुत से यहाँ पे पोस्ट डाल रहे हैं। देखो तो आप अगर अपना पोस्ट करते हो यहाँ पे, तो आपका भी चीज़ जो है वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो ये ऐसे है, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये फोटोग्राफी हो गया, ट्रेवल में भी वही काम है। फॉलो देखो मैंने इसको फॉलो नहीं कर रखा, क्योंकि एक बात जो दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिसका भी आप, जिस भी सेक्शन को आप फॉलो करते हो उसके रिगार्डिंग आपको मेल आना शुरू होता है, मेल आना शुरू हो जाता है, तो आप उसको या तो अनफॉलो कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से अपने प्रोफाइल सेक्शन से इसको हैंडल कर सकते हो। माई सेटिंग्स में जाओगे, मेल आना शुरू हो जाता है, तो क्या है दोस्तों, बहुत से मेल आएंगे आपको, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं, ठीक है, हज़ारों में लोग हैं, तो हज़ारों में पोस्ट डालते रहते हैं, तो आपको बार बार मेल आएगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको देख लेना एक बार सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन में कि आपका क्या हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप चीज़ें आ रखी है वो देख लो, यहाँ पे क्लिक करके देखोगे आप, तो चेक ऑल, अनचेक ऑल, डिलीट सेलेक्टेड सब्सक्रिप्शन, तो ये सब्सक्रिप्शन वगैरह हैं। मैं आपको सारे टैब्स वगैरह दिखा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि ढूंढने में कि कौन सी चीज़ कहाँ है। मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी परेशानी हुई थी ढूंढने में। देखिए ये सारे सेटिंग्स हैं, एक बार यहाँ से आप देख लो एक बार, तो आपको मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप एकदम से जा सकते हो वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अभी आपको दोस्तों सारे, देखिए यहाँ पे सारे टैब्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के बारे में बता दिया,
ठीक है। एक चीज़ दोस्तों जो छूट रहा है वो आईडिया एक्सचेंज का टैब है। आईडिया एक्सचेंज में देखिए दोस्तों बेसिकली क्या है कि अगर आप गूगल लोकल अगर आप गूगल को कोई आइडिया देना चाहते हो इस मैप के रिलेटेड, तो आप वहाँ से सबमिट कर सकते हो आइडिया। देखो यहाँ पे शेयर योर आइडिया का ये है पोस्ट, यहाँ पे कर सकते हो आप। तो हाउ डज इट वर्क, पोस्ट एन आइडिया, आप एक आइडिया पोस्ट करोगे, द कम्युनिटी वोट्स, तो कम्युनिटी क्या करेगी उसको लाइक्स करेगी, एक तरीके से वोट करेगी कि हाँ भाई ये आइडिया इंप्लीमेंट होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि पॉपुलर आइडियाज राइज टू द टॉप। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा लगा ये मुझे ये जो सेक्शन देख के गूगल वालों का, कि इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, सपोज दैट सी मोर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है ये देखो दोस्तों आ गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टैब्स बने हुए डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे क्लोज्ड कहने का मतलब ये देखो मेन चीज़ है वो इम्प्लीमेंटेड। अब देखिए दोस्तों इम्प्लीमेंटेड करने का मतलब कि आपने किसी ने ये आइडिया सबमिट किया और लोगों ने उसे वोट किया और फाइनली वो आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया, तो वो इम्प्लीमेंटेड के अंदर आता है। तो यहाँ देख सकते हो आपके सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई, ठीक है। तो आप ये देखना है काफ़ी अच्छा लगेगा आपको कि लोग कैसे कैसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ यहाँ पे देते हैं। और फिर देखिए प्रोग्रेस में कितनी आइडियाज़ हैं, देखो इन प्रोग्रेस में ये आइडिया एरो इशू फर्स्ट यूज ऑफ नेविगेशन ऑन गूगल मैप, तो ये प्रोग्रेस पे है, ये हो रहा है इंप्लीमेंट। यहाँ नीड इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें जो है जो उन लोगों ने आइडिया दिया है वो उन पर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत कुछ है, ये पूरा इंटरफेस है ना लोकल गाइड कनेक्ट का, बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरफेस है और इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। तो आप धीरे धीरे इसको सीखो, इस पर टाइम लगाओ, ठीक है, तभी आप इसको समझ पाओगे। और देखिए दोस्तों अगर आप चाहते हो मतलब सीरियसली हो तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, मैं भी कर रहा हूँ, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कम्युनिटी में आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर ही आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो गूगल से, ठीक है। तो देखो ऑल आइडियाज यहाँ पे वोटिंग ओपन, इनके लिए वोटिंग ओपन है। इसमें क्या लिखा हुआ कि सेलेक्ट प्लेस एंड ऐड ए वीडियो, तो ये सारी चीज़ें आप इनको पढ़ो और देखो आपको कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, उनको आप वोट करो, फाइनली वो चीज़ इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। तो मैंने आपको आइडिया वाला टैब भी दिखा दिया, तो ये चीज़ें हो गई सारी चीज़ें। तो मैंने दोस्तों लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी। इतने के बाद जो है आप लोकल गूगल लोकल गाइड्स कनेक्ट का आपको सारा आइडिया लग गया होगा। फिर भी अगर आपको मैंने अगर कुछ चीज़ें छोड़ दिया, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और जाननी थी आपको, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों बाकी जो चीज़ें हैं, वीडियो कैसे बनानी है और पोस्ट कैसे लिखना है, कैसे है, सारी चीज़ें करनी है, वो हम तीसरे वीडियो में सीखेंगे। आप इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके घंटे बढ़ने चाहिए, ऑनलाइन के घंटे बढ़ने चाहिए, शेयर पोस्ट सब कुछ बढ़ना चाहिए आपका, तभी जो है वहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे देखा जाए तो वहाँ के लिए, कैलिफोर्निया जाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो प्राइवेट स्टैटिस्टिक्स है ये, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो आप इन सबको भरो, आप रिप्लाई करो ब्लॉग पे, ब्लॉग कमेंट करो, आइडिया पोस्ट करो, ठीक है, एंट्री पोस्ट करो, क्यूए का रिप्लाई करो, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। आराम से टोटल साइन इन वगैरह हर चीज़ आपको बढ़ा रहना चाहिए पब्लिक स्टैटिक्स में। डेट रजिस्टर्ड, देखिए वैसे तो मैंने इतने को रजिस्टर किया था, ठीक है, मैसेज पोस्टेड इतना ये है, ठीक है, कितने लाइक्स मिले हर चीज़ में आपको जो है अच्छा से। हाँ जो एक चीज़ मैंने आपको बोला कि मैं आपको दिखाऊंगा एक बंदे का जिसने करा था, ठीक है, जिसने फाइनली वो सेलेक्ट हुआ तो उसने क्या क्या चीज़ें करी थी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिंक रख रखा है, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। मैं देख रहा था, मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला वहाँ से कि आखिर उसने कितना मेहनत किया और फाइनली वो जो है उसे मीटअप में जाने का मौका मिला, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, तो ये कोई यूज़र है फरीद मोंटीस, ठीक है। तो मैंने इनका देखा था, देखो दोस्तों इन्होंने फर्स्ट पोस्ट किया अपना 2016 में सातवें महीने में, 50 पोस्ट कर दिया इन्होंने, फिर 100 पोस्ट कर दिया इन्होंने, 250 पोस्ट किया, 1 सॉल्यूशन लिखा, 50 सॉल्यूशन, देखो बैच डिफरेंट डिफरेंट, 100 सॉल्यूशन लिखा इन्होंने, 1 कुडोज दिया, 100 कुडोज दिया, ऐसे करते 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 सोचो इतना मेहनत करते करते फाइनली फाइनली 2017 में इन्होंने रिसीव्ड 5000 कोडोज इनको मिल गए। 2018 में मतलब 2 साल के बाद ये कनेक्ट मॉडरेटर बन गए, मेहनत करते करते कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करते करते। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें भी 2 साल लगेगा, वो मैं एक आप एक रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ें ग्रो होती है। तो ये कनेक्ट मॉडरेटर बने धीरे धीरे, उसके बाद इनको 2018 में ही कनेक्ट लाइव 2018 जाने का मौका मिला। तो दोस्तों ये बैचेस ऐसे ही नहीं मिलते, ये यूज़र के बैच हैं, ऐसे ही नहीं मिलते, ये यूज़र के बैच हैं। देखिए फरीद मोंटी हैज़ अर्न 22 बैजेस, तो ये बैचेज आपको ऐसे नहीं है कि ये फॉल्स डेटा है, ये डेटा बिल्कुल करेक्ट है। जैसे जैसे आप सारी चीज़ें अचीव करते जाओगे आपको बैच मिलते जाएंगे, और अगर आपको ये बैच मिल गया इसका मतलब, यहाँ पे देखो लिखा हुआ कनेक्ट लाइव 2018 अटेंडीज, इसका मतलब इन्होंने अटेंड किया है वो। तो वैसे ऐसे आपको अभी ग्रो करना है धीरे धीरे इस पे कम्युनिटी पे, तभी जाके आपका भी कुछ हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने रियल टाइम एग्जांपल भी दिखा दिया कि कैसे लोग धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और हम जो है बिल्कुल बिगिनर हैं, तो हमें भी ये चीज़ करना पड़ेगा और जल्दी ही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और मेरे पिछले वीडियो पे काफ़ी अच्छा लाइक आया, लोगों ने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए, तभी मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अभी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आप क्या है कि लूप में रहोगे, आपको चीज़ें क्या पता चलेगा। आप इन नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लो, आप जैसे बेल नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो सब ऑन कर लो, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।